वेलकम टू द आशिमा शो। 29 जुलाई शाम 4 बजे 8 यूनियन कैबिनेट की मीटिंग के बाद 34 साल से चल रहे हमारी एजुकेशन सिस्टम में मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसे कहा गया है NEP, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो ये NEP 2020 हमारे देश में बस तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आए थे वो लाए गए थे 1968 में और फिर 1986 में। अभी वाले जो ये बदलाव हैं, ये सिर्फ स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के करिकुलम में ही नहीं बल्कि मिनिस्ट्री के नाम तक बदल गए हैं। मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि HRD डिपार्टमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में कवर करूंगी सभी मेजर अपडेट्स, जैसे कि सेशन कब शुरू होंगे, अभी तक का चल रहा 10+2 फॉर्मेट बदल के अब क्या हो गया है, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट बिल्कुल पलट हो गया तो नया फॉर्मेट क्या होगा, स्टूडेंट्स की पोस्ट ग्रेजुएशन अब कैसे होगी, साथ ही टीचर्स और फैकल्टी स्टाफ के लिए क्या अपडेट्स हैं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करने से पहले बताती हूँ कि क्यों जरूरत पड़ी है हमें इस बदलाव की। इस बात से तो आप सब एग्री करेंगे कि कुछ कंप्लेंट्स हमें रही हैं अपने एजुकेशन सिस्टम से। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करती हैं कि आप कितने विंटेज हैं या फिर कौन सी जनरेशन से हैं, पर कुछ शिकायतें हम सबकी कॉमन हैं, जैसे कि आर करंट एजुकेशन सिस्टम डज नॉट हेल्प अस गेटिंग जॉब्स। ये मैं बात कर रही हूँ अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ की। अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे इस चैलेंज को इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी दिक्कत है कि हमारा जो अभी का सिस्टम है, इट्स टू मच एग्जाम सेंट्रिक। तभी हमारे देश को खेत खलियान के देश के साथ साथ इम्तिहान का देश कहा जाता है। रट्टा मारने पर जोर ज्यादा है और प्रैक्टिकल नॉलेज की कहीं बात ही नहीं आती। इसके अलावा करंटली इन आर सिस्टम देयर इज टू मच कमर्शियलाइजेशन एज वेल एज करप्शन। एडिंग टू ऑल ऑफ दिस, कुछ कंफ्यूजन हमारे सिस्टम में इस तरह की भी है कि हायर एजुकेशन के लिए अभी कोई सिंगल रेगुलेटर नहीं है। कुछ रूल्स UGC बनाता है, कुछ AICTE के अंडर आते हैं, तो एक स्टैंड पर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, जैसे अभी कोविड के टाइम पर हमारे स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस किया है। तो अब जरूरत है कि एक रेगुलेटर हो, बढ़िया फैसला दे और यूनिफॉर्मिटी आए हमारे सिस्टम में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आधा काम मत करना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्लीज जरूर दबाना। दोस्तों, आप ये मान लो कि जिस तरह से पढ़ाई हमने की है या फिर अभी तक कराई जा रही है, अब वाला नया सिस्टम उससे बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले आप जान लो कि अब 10+2 वाला फॉर्मेट, जिसमें 10 तक हम सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते थे और 11th क्लास में हमें अपनी स्ट्रीम चूज करनी होती थी, साइंस या आर्ट्स, इसे बदल कर अब कर दिया है 5+3+3+4। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि 10+2 तो बनता है 12, पर 5+3+3+4 बन गया 15। तो क्या अब ज्यादा साल पढ़ाई करनी होगी? ऐसा नहीं है। हमारे पहले वाले सिस्टम में प्री स्कूल को कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन अब नर्सरी, LKG, UKG को इस न्यू सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। पहली बार सरकार ने इस बात को माना है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। और जो ये न्यू सेशंस हैं, ये शुरू होंगे सितंबर अक्टूबर में, और शुरू होने में डिले आया है उसका रीजन अभी का चल रहा देश भर में कोविड पेंडेमिक है। अब बताती हूँ आपको कि 5+3+3+4 का ब्रेकडाउन कैसे किया गया। पढ़ाई के पहले 5 साल, जिसमें पहले 3 साल 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को प्रिपरेटरी क्लास यानी प्री स्कूल में भेजा जाएगा, जिसको नाम दिया गया है बाल वाटिका। इस एज के बच्चों को एक्टिविटी ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाया जाएगा और बाकी के 2 साल 6 से 8 की उम्र में होगी Class 1 and Class 2। इसके साथ ही ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत सिर्फ क्वालिफाइड टीचर्स ही 5 साल से छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। एम ये है कि जो भी पढ़ाई करवाए जाए वो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में ही हो। अब अगले 3 साल यानी 8 से 11 साल की उम्र तक बच्चे 3री से 5वीं तक की पढ़ाई करेंगे। इससे पहले 8 साल 5+3 में बच्चा अपनी बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव कर ले, यही मोटिव है। पढ़ाई को जितना हो सके इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की जाएगी और किताबें उनकी मातृभाषा में होंगी। तीसरा सेगमेंट, अब इसमें कवर होंगी Class 6 to Class 8 यानी मिडिल स्कूल। नए कोर्स के अकॉर्डिंग बच्चों को 6th क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, ताकि बच्चों में अर्ली एज में ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्किल्स डेवलप हो सके। अच्छी बात यह है कि इन वोकेशनल कोर्सेज में प्रैक्टिकल नॉलेज पे खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि इन कोर्सेज में ट्रेनिंग्स एंड इंटर्नशिप्स होंगी, जहां वो कारपेंट्री, प्लम्बिंग या फिर लॉन्ड्री का काम
ऑन साइट जाकर सीखेंगे। साथ ही रफ्तार के चलते समय को देखें तो 21st सेंचुरी में कोडिंग सीखने और करने की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो 6th क्लास से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और पढ़ाई को प्रोजेक्ट बेस्ड मॉड्यूल्स के फॉर्म में डेवलप किया जाएगा। अब बारी आती है स्कूलिंग के लास्ट लेग की, 9th to 12th क्लास। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव जो आया है यही आया है, क्योंकि एक सवाल जो 10th में ही हर बच्चा सोचने लग जाता है वो ये है कि आर्ट्स लेना है या मेडिकल नॉन मेडिकल लेना है। अब ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये जो स्ट्रीम्स थी उनको खत्म कर दिया गया है। हालांकि मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स का अभी भी प्रोविजन है, तो स्टूडेंट्स अब अलग अलग स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं और इन सब्जेक्ट्स को गहराई में पढ़ाया जाएगा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अब मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा म्यूजिक भी पढ़ पाएगा और ये सब्जेक्ट म्यूजिक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम ही कंसिडर किया जाएगा। तो मोटिव है कि बच्चों को एजुकेशन की एक फ्लेक्सिबल अप्रोच प्रोवाइड करवाई जाए। एक चीज आपको और बता दूं कि इस न्यू पॉलिसी के तहत सभी क्लासेस का कोर्स रिवाइज किया जाएगा और वो पूरे देश में अब एक जैसा होगा। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अब से आर्ट्स और साइंस के बीच के हार्ड सेपरेशन को खत्म कर दिया गया है और कॉलेज एडमिशन का एक कॉमन एग्जाम होगा NTA। ग्रेजुएशन में अब स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल एग्जिट एंड एंट्री प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें अगर स्टूडेंट कॉलेज से एक साल में एग्जिट करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल में करता है तो डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 या 4 साल में एग्जिट करता है तो उसको डिग्री दी जाएगी। इसमें फायदा ये है कि अगर वो स्टूडेंट कहीं और भी एडमिशन लेता है तो ये रिकॉर्ड कंसिडर हो सकेगा। और इस सिस्टम को इस न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्रेडिट ट्रांसफर का नाम दिया गया है, मतलब अगर कोर्स पूरा नहीं भी किया पर जितना भी किया उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। एक और चेंज जो आया है वो ये है कि अब से कॉलेज की डिग्री 3 या फिर 4 साल की होगी, तो जो बच्चे आगे मास्टर्स नहीं करना चाहते सिर्फ जॉब करने के लिए पढ़ रहे हैं वो 3 साल का कॉलेज कर सकते हैं और आगे रिसर्च वर्क में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए 4 साल का कॉलेज होगा। मतलब हायर एजुकेशन जो पहले 2 साल में होती थी अब वो 1 साल में हो जाएगी। साथ ही कॉलेज में अब मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो होगी जिसमें स्टूडेंट्स मन चाहे सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं, यानी कि अगर आप फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपको म्यूजिक या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो वो सब्जेक्ट्स आप साथ में पढ़ सकते हैं, विच आई थिंक इज अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि ऐसे में अगर बच्चों का कोई भी टैलेंट है उनको उसे पॉलिश करने का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो अभी के सिस्टम की तरह किल नहीं होगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी से हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। दरअसल इस पढ़ाई के फॉर्मेट का विजन कुछ ऐसा है कि बच्चों में लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की जाएगी जो अभी वाले करिकुलम से मिसिंग था, जहां बच्चे पढ़ाई के बोझ में ज्यादा दबे रहते थे। तो अभी का मंत्रा है रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। एक जो स्टिग्मा है लोगों को कि वोकेशनल कोर्सेज अच्छे नहीं होते क्योंकि अब ये स्कूल के करिकुलम का पार्ट होंगे, तो स्टूडेंट्स इसको लॉन्ग टर्म में सेल्फ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग के साथ परस्यू करेंगे, तो कमिंग जनरेशन विल ऑफ कोर्स बी मोर स्किल्ड। रिपोर्ट कार्ड में आप सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी खुद को इवेल्युएट करेंगे और मजे की बात ये है कि क्लासमेट्स भी एक दूसरे को इवेल्युएट करेंगे। इसे कहा गया है 360 होलिस्टिक रिपोर्टिंग। साथ ही बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में अब क्योंकि लाइफ स्किल्स को भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि अब बच्चा स्कूल से जब पास आउट होगा तो उसके पास कम से कम एक लाइफ स्किल्स या कह लीजिए वोकेशनल स्किल होंगी। प्राइवेट कॉलेजेस की आजकल के टाइम में फीस कितनी आसमान को छू रही है हम सब जानते हैं, तो न्यू पॉलिसी के तहत उनके लिए भी फी कैप का प्रोविजन किया गया है। सबसे अच्छी बात ये है कि अब जो लोग नकल से पास होते थे शायद उनकी दुकान बंद हो जाएंगी, जो स्टूडेंट्स एक्चुअल में टैलेंटेड है बस उनके लिए जगह होगी। अब बात करते हैं कि क्या कॉन्ट्रोवर्सीज है इस न्यू पॉलिसी की। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि स्कूल्स का मीडियम क्या होगा, जैसे अभी हिंदी या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में होते हैं, क्योंकि पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेटरी स्टेज तक रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा। ये क्लैरिटी शायद टाइम के साथ आ पाए। दूसरी दिक्कत ये है कि अब एजुकेशन को सेंट्रलाइज करने की बात की जा रही है इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में, तो क्या स्टेट बोर्ड्स को बिल्कुल हटा दिया जाएगा? क्या ये सही होगा कि सिर्फ एक ही बॉडी पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को चलाए और बताए क्या सही है क्या गलत है? और सबसे बड़ा सवाल, पॉलिसी लाना और उस पर बातचीत करना आसान है पर उसको इंडिया जैसी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना आसान नहीं है, जहां ऑनलाइन स्टडी तो दूर, स्कूल्स में प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज भी अभी तक प्रोवाइड नहीं हो पाई हैं। तो ऑल इन ऑल इस पॉलिसी में बहुत सी अच्छी चीजें हैं पर मेरे हिसाब से इंप्लीमेंट करने से पहले कोई पायलट प्रोजेक्ट कुछ स्टेट्स में रन किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया, कोई रिसर्च नहीं है, कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं हुआ,
दोस्तों अभी तो बस पॉलिसी पास हुई है, अभी तो बहुत चैलेंजेस आएंगे रास्ते में सरकार के, इंस्टीट्यूशंस के एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट्स के। तो लेट्स जस्ट होप कि इसमें सबकी बेटरमेंट हो। आपके क्या विचार हैं इस पॉलिसी को लेकर, वो भी प्लीज मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो।